कॉलेजियम सिस्टम को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच खींचतान चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम की सिफारिशों पर सरकार द्वारा जवाब देने की समय सीमा तय होनी चाहिए। बता दें कि अभी कॉलेजियम के प्रस्ताव पर सरकार के जवाब देने की कोई समय सीमा तय नहीं है, जिसके चलते सरकार कई जजों के प्रस्तावित नामों पर कोई जवाब नहीं देती और जजों की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति अटकी रहती है। सातवें चीफ जस्टिस MC चागला मेमोरियल लेक्चर में अपने भाषण के दौरान सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रोहिंटन F. नरीमन ने कहा कि अब एक बार 5 या उससे ज्यादा जजों की पीठ संविधान की व्याख्या कर देती है तो संविधान के अनुच्छेद 144 के तहत एक अथॉरिटी होने के नाते ये आपका कर्तव्य है कि आप संविधान पीठ के फैसले का सम्मान करें। आप और मैं बतौर देश के नागरिक इसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन एक अथॉरिटी होने के नाते आप उस फैसले को मानने के लिए बाध्य हैं, फिर चाहे वो फैसला सही हो या गलत। जस्टिस नरीमन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को एक संविधान पीठ का गठन करना चाहिए जो सरकार को कॉलेजियम की सिफारिश पर जवाब देने की समय सीमा तय करे। बता दें कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो कि संविधान न्यायालयों में नियुक्ति के लिए 1999 में बनाया गया था, इसमें कॉलेजियम की सिफारिश पर किसी आपत्ति की स्थिति में सरकार के जवाब देने की समय सीमा तय नहीं की गई। जस्टिस नरीमन ने कहा कि ये मेरी विनम्र सलाह है कि यदि एक बार कॉलेजियम द्वारा सरकार को नाम भेज दिया जाए और एक तय समय सीमा तक सरकार इस पर कोई जवाब नहीं देती है तो ये मान लिया जाना चाहिए कि सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जस्टिस नरीमन ने चेताया कि आज जिस तरह से सरकार नामों को रोक कर रखती है वो देश में लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। अगर आपके निडर और स्वतंत्र जज नहीं होंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा। वह इस मामले पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सोढ़ी ने सोमवार को अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि समाधान निकालने के लिए दोनों संस्थानों के बीच परिपक्व बहस होनी चाहिए। कॉलेजियम प्रणाली के जरिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले पर पूर्व जज सोढ़ी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को हाईजैक कर लिया है। वहीं उनके इस बयान का हवाला देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री ने RS सोढ़ी के इस बयान को शेयर किया था। इसी के बाद रिटायर्ड जज ने नसीहत दी कि सरकार और न्यायपालिका बीच इस तरह की बहसबाजी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल मनमाना है, मुझे नियुक्ति में इस तरह की मनमानी का कोई अधिकार नहीं दिखता। आप आपस में बैठें और एक व्यवस्था के तहत बहस करें कि आप वहां क्या चाहते हैं और क्या नहीं। आगे कहा कि दोनों निकाय परिपक्व निकाय हैं और इस तरह का झगड़ा दोनों को शुभ नहीं देता। पूर्व जज सोढ़ी ने कहा कि दोनों के बीच परिपक्व बहस होनी चाहिए, एक साथ बैठें और एक समाधान के साथ आएं। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर मेरे जैसा कोई बयान देता है तो आप उसके कंधे पर रखकर गोली चला देते हैं। क्या यह बहस है? परिपक्वता दिखाओ और समाधान ढूंढो। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।